सर काफी बिलावल कुछ। अब आई एम खुद सो सॉरी सर, शेरी रहमान साहब अब बात कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जरा उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं फिर आते ये हैं। मसला है जो तारीख में पहली दफा वोट कॉन्फिडेंस में इतनी बड़ी तादाद नेशनल असेंबली में बैठकर अपने नंबर्स अपनी अक्सरियत दिखा चुकी है। मोशन का वक्त भी हो चुका है और स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल गैर आइनी तौर पर फौरी तौर पर एक नॉन इशू के साथ उसे एक अलग इशू से मिला के सेशन मुलतवी कर दिया। तो उम्मीद ये है और हमारी इस्तदा ये थी कि इतने बड़े इशू पर एक फुल बेंच पूरा बेंच बैठे आला अदालत, ताकि सारे लोग मुतमईन हो। ये नहीं कि किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये एक हमारी इस्तदा थी सुबह में। और दूसरी बात ये है कि दो इश्यूज हैं जी, मोटे मोटे इश्यूज में डिबेट और प्रोसीजर, ये बातें सब वाजे हो चुकी हैं, रूल बुक भी सामने है, आईन भी सामने है। कल जो हुआ पाकिस्तान में ये आईन शिकनी की बदतरीन मिसाल है। एक सिविलियन कू हुआ है, सिविलियन कू कल आपके सामने हुआ है और असेंबलियों को जिस तरह गैर आइनी तौर पर मुअत्तल किया गया, ये हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। क्या ये एक नया नजरिया जरूरत बनता जा रहा है? ये सवाल अब हमारे जहन में भी है और हमें उम्मीद है कि नजरिया आइन इस वक्त बाला होगा, क्योंकि जिस मुल्क में आइन बाला ना हो उधर सियासत और जमहूरियत के कोई माने नहीं होते हैं। फिर सिर्फ स्ट्रगल होती है जो हमने सारी जिंदगी की है इसी आइन को बहाल करने के लिए। और आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का दिन है। आपको याद होगा 4 अप्रैल जब शब खून मारा गया था जमहूरियत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम कायद पर। ऐसा ना हो फिर कि फिर हमें वो याद ताज़ा हो, लेकिन बात भूली नहीं जाती कि अदालती कत्ल हुआ, उसका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया, वो आज तक किसी कंक्लूजन पर नहीं आया है जी। और ये भी इस्तदा होगी कि आज जमहूरियत और आइन का अलम उठा के रखे अदालत, हमें वो दिन ना याद दिलाएं जब इस तरह अंधेरे में या खुलेआम आप देखते थे कि आइन शिकन को तहफ्फुज़ दी जाती है। आज हमारी इस्तदा और उम्मीद है कि आइन शिकन स्पीकर, आइन शिकन डिप्टी स्पीकर, जिसकी ऑलरेडी खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उसकी कोई साख नहीं है, उसके वोट्स चैलेंज हो चुके हैं, ये दोनों और एक ऐसे वजीर आजम जो अक्सरियत खो चुका है प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के मुताबिक ये नहीं कर सकते जो उन्होंने कल किया है। उन्होंने पूरी नेशनल असेंबली और जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया है कल, और ये कातिलाना हमला हमारे सबसे काले बाब में होगा अगर इसका इजाला ना किया गया। इसका सदबाब होना है और हम सब एक साथ जमहूरी कुव्वतें नबर्दे आजमा फिर होंगी इंशाल्लाह। शाह साहब भी आ गए हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। आइए खुशी शाह थैंक यू। जी थैंक यू शरी, आप सबका शुक्रिया। पहले तो आज का दिन है 4 अप्रैल, ये वो दिन है जिसने जमहूरियत को बचाने के लिए अपने आप को तख्तेदार पे ले गया, और आज फिर हम जमहूरियत को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, अदारों को बचाने के लिए एक मरतबा फिर इसी अदालत में हमने आके दरवाज़ा खटखटाया। शुक्र है कि इस अदालत ने सुओ मोटो ले लिया। वो सुओ मोटो इसलिए लिया गया कि वहाँ देखा कि इररेगुलरिटी कुछ हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। हम शुक्रगुजार हैं अदालत आलिया का, उन लोगों ने बात को देखा और समझा। हम ये समझते हैं कि एक मरतबा पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जमहूरियत आवाम की ताकत की एक निशानदी है, आवाम के फैसले की निशानदी है,
हमारी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दे दी। कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसमें जमहूरियत की को मजाक बनाया गया, पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया। हम ये समझते हैं कि हमें इकदार के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, अवामी हकूक के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और आइनी तरीका अख्तियार किया था। आइन के तहत हम आगे बढ़े थे, हमने आइन की वायलेशन नहीं की, हमने कंस्पायरेसी नहीं की, हमने झूठ नहीं बोला। एक फ्रॉड खत लेके उसको बहाना बना के पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत को दिखाने के बजाय भागने पे जोर डाला। जो शख्स अपने आप को ये कहता था कि मैं आखिरी बार तक खेलूंगा और अपना टाइम पूरा करूंगा, वो शख्स बीच में से विकेट उठा के भाग गया। उसने मुकाबला नहीं किया क्योंकि वो मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता कि वो जमहूरियत का चोर है और जमहूरियत की उसने चोरी की है, आइन को कत्ल किया है। अब ये फैसला इस अदालत को करना है कि हम सही कहते हैं, हमारी आर्ग्यूमेंट सही है। ये अदारे जितने भी है आगे या पीछे, ये आइन के मोहताज है। इन सब अदारों को आइन चलाता है, उसके बाद पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के अंदर आइन की धज्जियां उड़ाई जाएं, तो अवाम कहाँ जाएगा? फिर नुकसान भी हो सकता है, फिर लोगों के माइटी राइट का मसला हो जाता है। तो उसको बचाना है, इन्हीं अदारों का काम है कि आइन को बचाएं। जो सबको बचाता है उसको बचाएं। जो सबको पार्लियामेंट अपने अख्तियारात देती है, जमहूरियत को अख्तियारात देती है, जमहूरियत की तशरीह करती है, उसको बचाएं। ये बात करनी थी मुझे। 4 अप्रैल है, फिर दोहराता हूँ, इस दिन को हमने तख्तेदार को चूमा और जमहूरियत को बचाया। थैंक यू। कोई सवाल है? फैसला रिवर्स जाहिर होना चाहिए और क्योंकि वो बिल्कुल गैर आइनी था और इतना खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है आइन की और नेशनल असेंबली के कवायद और जवाबित, क्योंकि मुश्किल होगा इसको सस्टेन करना किसी की जवाब पर। और मैं आखिरी बात एक दूसरे कहना चाहती हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही थी, जो कंस्पिरेसी की साजिश की बात की जा रही है, वो साजिश बेनकाब हो, उसमें जितने भी लोग किसी भी जुर्म के मुर्तकिब हों उनको सामने लाया जाए। इस वक्त हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो खुद एक नेशनल सिक्योरिटी खतरा है पाकिस्तान को। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एक आलमी साजिश के तहत भोंक दिया है एक मुश्किल और ख़तरनाक दोराहे पर। और ये भी बताऊं कि अगर सपोज ये, क्योंकि हम अदालत के बाहर खड़े हैं ना, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी होती, कोई साजिश होती, तो आप बताएं उसका रूलिंग से क्या ताल्लुक? आप जुडिशल कमीशन बुलाएं, आप सबको, हम सबको खड़ा कर दें कठेरे में। और जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा है, अगर कोई भी भनक हो किसी साजिश की तो तख्तेदार पे लटाएं हम। यह है 4 अप्रैल, हम चेयरमैन, हम बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी हैं, शहीद रानी की पार्टी हैं, बात करें। लेकिन वो खत कभी केबल बनता है, कभी केबल है तो कुछ और बन, फौजरी बनती है, कभी उसकी तस्दीक नहीं होती है। और ये सारी बातें कौम के सामने रखनी होंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होना होगा। शुक्रिया। श्री रहमान साहिबा गुफ्तगू कर रही थी और कहती